बरेली में एक दुल्हन ने अपने होने वाले पति को शराब के नशे में देखकर बारात को वापस लौटा दिया बरेली में जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है नसेड़ी होने वाला पति का वीडियो दुल्हन के पास आ गया था वीडियो में दुल्हन ने देखा कि पति सिगरेट पी रहा है और नशे में गिरते पड़ते आया है दुल्हन ने खुशी खुशी जयमाला तो डाल दे मगर उसकी खुशियां नशेड़ी दुल्हे ने बारात को वापस कराकर ही छोड़ा दुल्हन के पिता ने कर्ज लेकर बारात की और बारात का स्वागत अच्छे ढंग से किया जिससे उसके समाज में इज्जत बने रहे मगर इस दुल्हे ने इज्जत को भी तार तार कर दिया मामला है फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले श्रीपाल का जिन्होंने अपनी बेटी पूजा की शादी सुभाष नगर के पंकज के साथ तय की थी जिसकी बारात कल ग्यारह मई को पहुंची फतेहगंज पूर्वी के लीला टेंट हाउस स्टेशन रोड पर बारात पहुंचने पर बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत किया गया लड़की के पिता ने कर्ज लेकर अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे थे वहीं उनको यह नहीं पता था कि उस जिससे वह शादी कर रहे हैं वह नशेड़ी है जब बारात नगर में पहुंची तो लड़की वालों ने बारात का धूमधाम से स्वागत किया बारात नगर में घूमने के बाद जयमाला प्रोग्राम शुरू हुआ तो लड़की पक्षी ने देखा कि दुल्हा शराब के नशे में धुत था जिसके बाद लड़की ने दुल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया और बारात को वापस लौटा दिया लड़की के पिता ने इसकी सूचना थाने में दे दी है। मैं आपका। आपकी बेटी कल दुल्हन के जोड़े में थी और आपका दमान बारात लेके आया था क्या ऐसी अनहोनी हुई क्या पूरा मामला हुआ जो कि बारात वापस करनी पड़ी आप लोगों को ये लड़का पीता शराब और जब यहाँ आया तो हमें पता चली शराब पीता है जयमाला के टाइम बने इतनी शराब पी गई जयमाला टन अब आप लोग क्या चाहते हैं क्या कार्रवाई करना चाहते हैं अब हम भैया जो चाहते हैं हमने उधार पैसे लेके शादी करी लड़की की अपनी हमारे पति भी बीमार है तीन साल से चार लड़की पे छोटा लड़का है हमने सब सो आज पे पैसा लेके शादी की तीन लड़की की